मिसाल, तो उस जमाने में भी नजर आते थे। फिर मैं क्वेटा चला गया, लेकिन तहसीन फराकी साहब के साथ जो दूसरा रब्ता हुआ वो ईरान में हुआ। मैं वहां पर ECO में था और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था कल्चर इंस्टीट्यूट का, और तहसीन फराकी साहब जो थे वो तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। आपके लिए बड़ी अचंभे की बात होगी कि तहसीन फराकी साहब जब हमारे दफ्तर में आते थे तो हमारे पता पता ईरानी सारे सुखन शनास लोग हैं, और जिस तरह के इकबाल को वो समझते हैं, जिस तरह इकबाल की गुफ्तगू करते हैं, तो वहाँ पर एक नशिस्त जरूर कभी कभी हो जाती थी जिसमें फराकी साहब जो है अपनी फारसी गजल सुनाया करते थे। तो जो बहुत हैरत की बात होती है, और ये सिर्फ बहुत चंद लोगों को ये खासा हासिल हुआ है, और उस जमाने में उनके साथ अच्छी दोस्ती और याद अल्लाह थी जो कि बाद में भी देर तक चलती रही। एक खूबसूरत इंसान है, ज़बरदस्त। मैं अभी रामी साहब तलखीज़ की बात कर रहे थे, उन्होंने मुहावरा सुनाया। चूंकि इकबाल के हवाले से बात हो रही है तो तलखीज़ जिस तरह इकबाल ने कुरान की आयात की और कुरान की तफहीम की है, हैरान कन लगता है, इल्हामी सोचा। पूरे का पूरा सूरह कहफ का जो हजरत मूसा का वाक्य शेर में यूं समझाया है, कश्ती मस्कीनों जाने पाको दीवार यतीम, इल्मे मूसा भी है तेरे सामने हर खबर। तो ये सूरत इकबाल के हवाले से उनको जो अवार्ड मिला है वो बेसिकली इकबाल के हवाले से मिला है। और तहसीन फराकी साहब ने जिस किताब को इस अपनी किताब की बुनियाद बनाई है वो इकबाल की आखिरी किताबों में से एक किताब मसनवी बसते पाएगा, और वो आशोब चश्म का मर्ज था, आंखें खराब थी। तो एक रात सर सैयद उन्हें ख्वाब में मिले, और सर सैयद को इकबाल ने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करो, इकबाल कह रहे हैं सर सैयद को, दरख्वास्त करो कि मेरी आंखों के लिए कोई दुआ करें। तो उसके पर जो मशहूर है कि उन्होंने कहा कि आप उनके लिए कुछ लिखें। तो आपको याद होगा कि वो अशआर जो है, मैं इसलिए क्योंकि फारसी के अशआर में समझ सकता था कि कोई मुझसे गलती ना हो जाए, इसे मैं उसको लिख के लाया था, इंतहाई खूबसूरत अशआर। बल्कि मसीह चैत के आगाज को पहले मैं सुना, तो हैरान, पूरी की पूरी जो मसनवी है उसके अंदर मुझे हैरानी होती है कि इकबाल ने अकवाम शर्क, यानी आप बकायदा उसको नेशनलिज्म इस हद तक बन चुका हुआ था कि इकबाल ने उस इलाके को मशरक को नहीं अकवाम शर्क इस हद तक रच बस किया हुआ था कि इकबाल के यहां भी इख्ताब करते हुए उनकी सूरत आल आई। और जो उन्होंने खतरे से आगाज किया है आप हैरान होंगे, सिपा ताजा बरंगेजम अज विलायत इश्क, यानी मैं ममलकत इश्क से ताजा फौजें लेके आऊं, ताजा सिपा ले आऊं, कि दर हरम खतरियत बगावत खरदस, कि हरम की अकल की सरकशी को खतरा लाहा, हरम को अकल की सरकशी, यानी कितना बड़ा तसव्वुर है इस हवाले से। जमाना ही नदारत हकीकत उरा जनू कबास के मौजू बकामत खरदस, जमाना इसकी हकीकत को बिल्कुल नहीं जानता, क्या जुनून का लिबास ही अल्लाह अकबर अकल की कामत पर मौजू आता, यानी अगर अकल को कोई लिबास पूरा आता है तो जुनून का लिबास पूरा आता है। और ये हैरान कौन, आप जब तक अकल को जुनून की का मलबूस में लेके नहीं निकलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप गुमकर्दा राह हो जाएंगे। तवाफे बामो दरे मन सादत खरदस, वहां मकाम रसीदम जो दर ब्रश करदम, फिक्र को हमंग करने के मुकाम तक आ गया हूं कि अकल मेरे दरबाम के तवाफ करने को सादत समझे। तो ये इकबाल है, ये उस मसनवी के बारे में मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने इस खूबसूरती से उसको निभाया है, इस खूबसूरती से वो किताब लिखी है, और के आप